Wasteland. There is no second chance. Through the dust and echoes, water becomes a distant dream. Blood brings pain. They rule the desert. War isn't over yet. It's time to fight for freedom. हे वात सब गाइस वेलकम टू आवर चैनल वेलोसिटी मूवी एंड आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा मूवी जो है इसके क्या क्या सा मतलब फ्यूचर अपकमिंग्स होने वाले कॉन्सेप्ट तो कैसे जैसे कि तुम्हें पता है जो मूवी है वो रिलीज़ होने वाला है 2024 के अंदर एंड इस मूवी का ट्रेलर हमें देखने को मिलता है डब्ल्यू बी पिक्चर्स मतलब वार्नर ब्रोस पिक्चर्स का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उधर आपको देखने को मिलेगा इस लेटेस्ट मूवी का ट्रिलर एंड गाइस मेक शोर करो तुम जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो एंड गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो आई मीन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन भी कर देते हो फ्यूरियोसा मैड मैक्स आगा तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कम्प्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी फोर्थ में 2024 का रिलीज़ डेट इसका फ़िक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यूरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइजा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइजा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ क्या ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जाइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गाइस मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये hey, हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और ये गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अन्या टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ अलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यूनोगा you know इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्ग के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसली पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि ये फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर्स ही वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइजा का मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू तो गाइस इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू का एक्वामैन मैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गया ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलेगा तो सब चीज़ बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गईस यहाँ अब्दुल्ला मर्दीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो है वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कम्प्लीट होके शेड्यूल अभी जो वी एंड सी वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज़ डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यू एस ए के अंदर ट्वेंटी फोर्थ में एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी तो गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैडमैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर और को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स आगा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कंप्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैश एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइजा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइजा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ क्या ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को दिखाया ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जाइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गई मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट है अनया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज यू नो नोगा इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्क के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ऐसे पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी ही वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइज़ा का मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरियोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मती टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यह अब्दुल्ला मतिन टू तो वह इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू का एक्वा मैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गए ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सच में बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गईस यहाँ अब्दुल्ला मददीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो हैं वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कंप्लीट होके शेड्यूल अभी जो वी एफ एक्स एंड सी जी आई वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड में टू थाउजेंड के अंदर ट्वेंटी फोर्थ में एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्ल के साथ जाएँगे तो अपकमिंग जो मैड का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर थॉर को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज़ क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स सागा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कम्प्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी फोर्थ में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइज़ा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइज़ा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ क्या ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जॉइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गाइस मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यू नो गाइस इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्ग के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑबियसली पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि ये फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर्स ही वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइज़ा का मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्लू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू तो गाइस इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू का एक्वामैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गए ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलेगा तो सब चीज़ बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गईस यहाँ अब्दुल्ला मददीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो है, वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा हो होके शेड्यूल अभी जो वी एंड सी वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यू एस ए के अंदर ट्वेंटी फोर्थ मे एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैडमैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर तो को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज़ क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स आगा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी लगा तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कम्प्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो इस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है 24th में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यूरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइजा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत खतरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइज़ा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ कि ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जॉइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत ख़तरनाक है अब गाइस ग इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यू नो नोगा इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्क के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ऐसे पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर ही वार्नर ब्रॉस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइजा का मैड मैक्स फ्रेंचाइज़ा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसा आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरियोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू तो गाइस इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू का एक्वा का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गए ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सच बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला होगा बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गई यहाँ अब्दुल्ला मददीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्रीम मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैडम एक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सीसेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बिविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो हैं वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया आस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कम्प्लीट होके शेड्यूल अभी जो वी एफ एक्स एंड सी जी आई वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर तो टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज़ डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड में टू थाउजेंड के अंदर ट्वेंटी फोर्थ में एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएँगे तो अपकमिंग जो मैडमैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर और को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स सागा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कम्प्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर है एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी फोर्थ में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइजा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइजा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है ओ भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ कि ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जॉइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गई मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा एक अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनिया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यू नोगा इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्ग के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बसली पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइज़ा का मैड मैक्स फ्रेंचाइज़ा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गैस पता ही है आस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू तो भाई इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतीीन टू का एक्वा मैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गया ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सच चीज़ बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला होगा बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गाइस यहाँ अब्दुल्ला मरदीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो है वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कंप्लीट होके शेड्यूल अभी जो वी एंड सी वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यू एस ए के अंदर ट्वेंटी फोर्थ मे एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी तो गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देख देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैड मैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर तो को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज़ क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स सागा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी लगा तो, गा। तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कम्प्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी फोर्थ में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइज़ा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइज़ा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ क्या ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जाइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको लोथ्रस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यूनोगा you know इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्ग के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसली पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि ये फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर्स ही वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइज़ा का मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यह अब्दुल्ला मतिन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू तो गाइस इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेकर क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू का एक्वामैन मैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गया ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलते तो सच में बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला है बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गाइस यहाँ अब्दुल्ला मरदिन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैडम एक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोजर हैं टॉम हॉलकन बर्न जो हैं वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कम्प्लीट होके शेड्यूल अभी जो वीएफएक्स एंड सीजीआई वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर तो टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड में टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यू के अंदर ट्वेंटी फोर्थ में एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी तो गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैडमैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर तो को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स आगा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कंप्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी फोर्थ में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइजा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइजा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पर मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ क्या ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जाइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गई मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनिया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ अलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज यू नो नोगा इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्क के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ऐसे पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी ही वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइज़ा का मैड मैक्स फ्रेंचाइज़ा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरियोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहहाँ अब्दुल्ला मतिन टू तो वह इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यह अब्दुल्ला मतिन टू का एक्वा मैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गए ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सच चीज़ बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गईस यहाँ अब्दुल्ला मददीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो है वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कम्प्लीट होके शेड्यूल अभी जो वी एंड सी वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर तो टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यू के अंदर ट्वेंटी फोर्थ में एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैड मैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर तो को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज़ क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को वाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स सागा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी लगा तो, गा। तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कम्प्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी फोर्थ में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइज़ा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत खतरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइज़ा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ कि ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जॉइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गाइस मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा एक अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यू नो गाइस इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्ग के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑबियसली पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि ये फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर्स ही वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइज़ा का मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्लू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू तो गाइस इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू का एक्वामैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गए ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सच में बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला होगा बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गाइस यहाँ अब्दुल्ला मददीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्रीम मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो Mad Max फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सीसेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो हैं वो भी आएँ उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कम्प्लीट होके शेड्यूल अभी जो वी एंड सी वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड में टू थाउजेंड के अंदर ट्वेंटी फोर्थ एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैड मैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर थार को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स आगा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी लगा तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वस्ली कंप्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो इस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है 24th में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यूरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइजा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइजा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ कि ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जॉइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत ख़तरनाक है अब ग इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इंफॉमेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज यू नोगा इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्ग के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसली पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि ये फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर ही वार्नर ब्रॉस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइजा का मैड मैक्स फ्रेंचाइज़ा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही यह ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसा आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर फ्यूरियोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहा अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यह अब्दुल्ला मतिन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू तो गाइस इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू का एक्वा का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गए ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सच चीज़ बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला होगा बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गईस यहाँ अब्दुल्ला मरदीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो है वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कंप्लीट होके शेड्यूल अभी जो वीएफएक्स एंड सीजीआई वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड में टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यू एस ए के अंदर ट्वेंटी फोर्थ में एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैडमैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर तो को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स आगा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी लगा तो, गा। तो गा इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कम्प्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी फोर्थ में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइजा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत खतरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइजा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ क्या ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनकी जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जॉइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गा इसमें इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको लोथ्रस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये hey, हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और ये गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यू नोगा इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्ग के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बसली पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर्स ही वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइज़ा का मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गैस पता ये ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्लू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मती टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू तो भाई इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतीीन टू का एक्वा मैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गया ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सच में बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला होगा बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गाइस यह अब्दुल्ला मददीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्रीम मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो है कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो हैं वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कंप्लीट होके शेड्यूल अभी जो वीएफएक्स एंड सीजीआई वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड 2024 टू के अंदर ट्वेंटी फोर्थ में एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैड मैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर थॉर को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स सागा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी लगा तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वस्ली कंप्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी फोर्थ में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइज़ा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत खतरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइज़ा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ क्या ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जाइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गाइस मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये hey, हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और ये गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अन्या टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यूनोगा you know इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्ग के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसली पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि ये फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर्स ही वार्नर ब्रॉस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइजा का मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू तो गाइस इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू का एक्वामैन मैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गया ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलेगा तो सब चीज़ बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गाइस यहाँ अब्दुल्ला मर्दीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो है वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कंप्लीट हो के शेड्यूल अभी जो वी एंड सी वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज़ डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यू एस ए के अंदर ट्वेंटी फोर्थ में एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी तो गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैडमैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर तो को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स आगा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी लगा तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कंप्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइजा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइजा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पर मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ क्या ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जाइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गई मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट है अनया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज यू नो नोगा इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्क के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ऐसे पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी ही वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइज़ा का मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरियोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मती टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यह अब्दुल्ला मतिन टू तो वह इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू का एक्वा मैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गए ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सच में बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गईस यहाँ अब्दुल्ला मददीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैडम एक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सीसेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बॉर्न जो हैं वो भी आएँ उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया आस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कम्प्लीट होके शेड्यूल अभी जो वी एफ एक्स एंड सी जी आई वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड में टू थाउजेंड के अंदर ट्वेंटी फोर्थ में एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्ल के साथ जाएँगे तो अपकमिंग जो मैड का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर थॉर को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज़ क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स सागा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कम्प्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी फोर्थ में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइज़ा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत खतरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइज़ा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ क्या ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जॉइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गाइस मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यू नो गाइस इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्ग के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑबियसली पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि ये फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर्स ही वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइज़ा का मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्लू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू तो गाइस इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू का एक्वामैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गया ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सब चीज़ बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गईस यहाँ अब्दुल्ला मददीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो हैं वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा हो होके शेड्यूल अभी जो वी एंड सी वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज़ डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यू एस ए के अंदर ट्वेंटी फोर्थ मे एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैडमैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर थॉर को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज़ क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स आगा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी लगा तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कम्प्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो इस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है 24th में 2024 का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैस्ट एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यूरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइजा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत खतरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइज़ा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है वो भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ कि ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जॉइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत ख़तरनाक है अब गाइस ग इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा ये अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यू नो नोगा इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्क के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ऐसे पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर ही वार्नर ब्रॉस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइजा का मैड मैक्स फ्रेंचाइज़ा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गाइस पता ही है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसा आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरियोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू तो गाइस इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू का एक्वा का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गए ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सच बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गई यहाँ अब्दुल्ला मददीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्रीम मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैडम एक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सीसेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बिविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो हैं वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया आस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कम्प्लीट होके शेड्यूल अभी जो वी एफ एक्स एंड सी जी आई वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज़ डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड 2024 टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यू के अंदर ट्वेंटी फोर्थ में एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएँगे तो अपकमिंग जो मैडमैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर और को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स सागा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी तो इस मूवी का नाम यही होने वाला है एंड प्रोडक्शन की जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब ऑब्वियसली कम्प्लीट हो चुकी है और जो मूवी है अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले साल अभी तो गाइस 2023 का लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है लेकिन ये जो मूवी है हम लोगों को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा एंड मूवी के डायरेक्टर तुम्हें पता ही है जॉर्ज मिलर हैं एंड ये जो मूवी है ट्वेंटी फोर्थ में टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का रिलीज डेट इसका फिक्स किया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैश एंड क्रू देखने को मिलेंगे एंड जो ट्रेलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक तो तुम्हें पता ही है ना एक ओरिजिन स्टोरी ऑफ होता है रेनिगेड वॉरियर फ्यूरियोसा का एक है टीम अप करती है मैड मैक्स फ्यवरी रोड में तो गाइस इधर हमें दिखाया जाएगा एक नया ही स्टोरी फ्यूरियोसा एक्चुअली एक लड़की होती है मैड मैक्स फ्यूरी अगर तुमने देखा है मैड मैक्स का अगर तुमने देखा है फ्रेंचाइजा दो तीन मूवी है तो उनमें हमें देखने को मिलता है टॉम हार्डी जहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से सीन होते हैं इस मूवी के अंदर मैड मैक्स वाले फ्रेंचाइज़ा की बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड पूरा डेजर्ट वाला होता है एंड भाई इसमें मूवी के अंदर जो कार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है ओ भाई नेक्स्ट लेवल होता है एंड मैंने इन मूवी को देख रखी है तो मतलब मैं तो जानता हूँ कि ऐसा सीन है एंड आई होप आप लोगों ने भी इन मूवी को देख रखा होगा मैड मैक्स के सागा यूनिवर्स को मैड मैक्स जो है और भी मतलब इनके जो मूवी प्रीवियस निकल चुके हैं ये आपने देख रखा होगा लेकिन इस बार क्या होने वाला है एक लड़की का इंट्रोडक्शन होगा फ्यूरियोसा इसका नाम है ये एक्चुअली टीम अप करने वाली है मैड मैक्स के साथ जो ट्रेलर के अंदर आपने लड़की को देखा है ना जो लड़की है मेन मतलब आपको एक्ट्रेस की रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर ये अब टीम अप करेगी अपने मैड मैक्स के साथ यानी टॉम हार्डी भाई के साथ इसका टीम अप होगा एंड उसके बाद से जाके हम लोगों को खतरनाक से वही फाइटिंग वाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो फोर व्हीलर जॉइंट ट्रक है भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अगर तुमने ट्रेलर देख रखा है तो उस ट्रेलर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रक तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत खतरनाक है अब गई मैं इस मूवी के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस जो मूवी है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मैड मैक्स सागा एक अपकमिंग पोस्ट अपॉकलिप्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके को प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जॉर्ज मिलर और एक को राइटर हैं इस मूवी के निको निकोलाथरस और ये जो मूवी है सर्व करता है आपको स्पिन ऑफ एंड प्रीक्वल याद रखना प्रीक्वल है सीक्वल नहीं है ये हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड है इसके मतलब पीछे का स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीक्वल मूवी है ना कि सीक्वल मूवी है 2015 मैड मैक्स फ्यूरी वाला का और गाइस फिफ्थ फिल्म है मैड मैक्स फ्रेंचाइजा का एंड इस मूवी की स्टार कास्ट हैं अनिया टेलर जॉय और टाइटल रखा गया है इम्पेस्टर फ्यूरोसा इनका नाम है और मूवी के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे उसी के साथ आलिया ब्राउन एंड टॉम बर्की इन सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको देखने को मिलेंगी तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस मूवी के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये जो होने वाला है देखते हैं कैसा कैसा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर एज़ यू नोगा इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो बिगिन हो चुका है एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डच मिचल जॉर्ज मिलर उसके बाद इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी किया जा रहा है साइमन डगन के द्वारा उसके बाद म्यूज़िक जो दिया जा रहा है टॉम हॉलकिन बॉर्ग के द्वारा दिया जा रहा है म्यूज़िक इस मूवी के अंदर एंड जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बसली पहला आपको प्रोडक्शन कंपनियाँ देखने को मिलेगा जो कि फ्रेंचाइजा को ही सपोर्ट करता है विलेज रोड शो पिक्चर एंड उसी के साथ कैनडी मिलर मिचल तो ये दोनों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की ये इस मूवी को पूरा प्रोड्यूस करवा रही है उसी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है इस मूवी की तो तुम्हें पता ही है डब्ल्यू बी पिक्चर्स ही वार्नर ब्रोस पिक्चर इस मूवी को पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड जो रिलीज़ डेट है इस मूवी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर ही देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 23 मई 2024 को ये जो मूवी है बड़े बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस फ्रेंचाइज़ा का मैड मैक्स फ्रेंचाइज़ा का तो तुमको अभी और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो कंट्री है गैस पता ही है आस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल कंट्री इस मूवी की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में जो मूवी है ऑफिशियली फुल शूट आउट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ऐसे आपको जो मूवी है हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे जो नेशनल लैंग्वेज होते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से उन सारे नेशनल लैंग्वेज के अंदर ये जो मूवी है मैड मैक्स और डब्ल्यू बी प्रोडक्शन है इसका मतलब ऑफिशियली डब आपके कंट्री के हिसाब से उन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवी का प्रोडक्शन बिगिन हो गया था मार्च 2020 के अंदर ही मिलर ने कंडक्ट किया था कास्टिंग ऑडिशन इस मूवी का कौन से कौन से रोल के लिए तो उधर हमें टाइलर जॉय जो है फ्यूरोसा का रोल देखने को मिलती है उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में आप लोग को यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू भी देखने को मिलते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई यहाँ अब्दुल्ला मतीन टू कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक्टर है ये आपने अगर एक्वा मैन वन देखा है तो उसके अंदर तुम्हें पता ही ना जो ब्लैक मैंटा का रोल प्ले करता है यहाँ अब्दुल्ला मती टू यही है और एक्वा मैन टू के अंदर मेन विलन का रोल यही प्ले करने वाला है यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू तो वाई इस मूवी के अंदर भी यहाँ अब्दुल्ला मतिन टू को सेलेक्ट किया गया था लेकिन पता नहीं कुछ रीशेड्यूलिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट हुआ शेड्यूलिंग को लेके क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला मतीीन टू का एक्वा मैन का शूटिंग भी चल रहा था बीच में इसीलिए उसमें गड़बड़ी हुआ शूटिंग में इस मूवी के रिलेटेड गड़बड़ी हो गया इसलिए अब्दुल्ला को रिप्लेस कर दिया गया बर्क से मतलब बर्क जो है इनको लाया गया मतलब मेन एक्टिंग इनके जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया गया टॉम बर्क के द्वारा तो समझ गया ना अब्दुल्ला मतीन मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में प्लान हुआ था ये देखने को मिलेंगे और देखने को मिलता तो सच चीज़ बेटर होता मेरे हिसाब से क्योंकि आपको एक्वा के अंदर इस बंदे का पूरा भाई स्किल देखने को मिला होगा बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली उसी के बाद गाइस यहाँ अब्दुल्ला मरदीन को तो रिप्लेस कर दिया गया नवंबर के अंदर लेकिन सेवरल क्री मेंबर जो होते हैं मूवी के अंदर जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उस मूवी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि मार्गेट सिक्सेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जेनी बीविन जो हैं कंपोज़र हैं टॉम हॉलकन बर्न जो है वो भी आए उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी का स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जून एंड अक्टूबर 2022 के बीच में ये जो मूवी है बिगिनिंग स्टार्ट हो गया अब जो है मूवी पूरा कंप्लीट होके शेड्यूल अभी जो वीएफएक्स एंड सीजीआई वाली काम है वो सारे अभी तो पेंडिंग है एंड पूरा मूवी जो है 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है और अभी जो वी वाले जो काम है वो सारे अपकमिंग फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मूवी जो है वार्नर ब्रूस ने शेड्यूल कर दिया है रिलीज डेट थिएटर्स के अंदर वो जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यू एस ए के अंदर ट्वेंटी फोर्थ मे एंड वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी थर्ड मे को देखने को मिलेगा वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर एंड उसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी तो वह इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल मतलब देखने को मिलेगा बहुत अच्छा चीज़ क्योंकि ये जो मूवी है प्रीक्वल है पहले ही तुम लोग जानते हो सीक्वल नहीं है तो इसीलिए एकदम पूरा एक न्यू यूनिवर्स खुलने वाला है अभी प्रीक्वल के साथ जाएंगे तो अपकमिंग जो मैडमैक्स का आने वाला रहेगा मूवी उसमें और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कराया जा सकता है कुछ ऐसा होने वाला है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर भाई थॉर तो को कौन नहीं चाहता यार सारे लोग चाहते हैं तो मैं गाइज़ क्या करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग और भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कवर अप करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मूवी के ऊपर मिलते रहे एंड उसी के साथ आप लोगों को गाइज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना फ्यूरियोसा एफ यू आर आई ओ यू एस ए मैड मैक्स आगा करके तो बहुत अच्छी बात रहेगी